राधे राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी जिसका व्रत रखने मात्र से मोहों और माया से मुक्ति मिल जाती है उसको कहते हैं मोहिनी एकादशी। परम पावनी मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी से पूर्णमासी तक के जो 5 दिन है वो तो अपने आप में बहुत विशेष है। और आज हम लोग बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी पे आपको कैसे पूजा करनी है, मोहिनी एकादशी के एक उपाय आपको बताऊंगी, और मोहिनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग कौन सा है वो भी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। वृंदावन की बात करूं तो मोहिनी एकादशी 19 तारीख की बनाई जा रही है। आप खाटू श्याम की बात करूं तो मोहिनी एकादशी 19 मई की है। बाकी भैजी के मंदिर में मोहिनी एकादशी 19 मई की है। चैतन्य गौर संप्रदाय में मोहिनी एकादशी 19 मई की। अर्थात मैं ये कहूं कि पूरे भारतवर्ष में जो मोहिनी एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है वो 19 तारीख का ही मनाया जा रहा है। मोहिनी एकादशी 19 तारीख की है तो 18 तारीख को एकादशी से जो दशमी तिथि के नियम होते हैं वो लागू होंगे। प्रारंभ तो एकादशी 18 तारीख से हो रही है लेकिन उदिया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 19 तारीख को ही रखा जाएगा। तो एकादशी का जो व्रत है वो 19 तारीख को रखा जाएगा। दसवीं तिथि के जो नियम है वो 18 तारीख को लागू होंगे और द्वादशी जो है वो 20 तारीख को होगी। इस बार की जो द्वादशी है इसको रुक्मणी द्वादशी बोलते हैं, कहते हैं। इस द्वादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया था, ठीक है ना, उनका हरण किया था और उनका विवाह किया था। तो इस दिन जो द्वादशी है वो रुक्मणी द्वादशी के नाम से संबोधित की जाती है। तो मोहिनी एकादशी अपने आप में विशेष है क्योंकि बैसाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और उसमें भी मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी पे कलश निकल के आया था। द्वादशी वाले दिन भगवान ने कलश की रक्षा करा था, जो अमृत का कलश था उसका रक्षा करा था। त्रयोदशी वाले दिन भगवान ने वो जो अमृत था वो देवताओं को पान कराया था। चतुर्दशी वाले दिन भगवान ने देवताओं ने उस अमृत का पान करके दैत्यों पर हमला किया था और विजय प्राप्त करी थी। और पूर्णमासी वाले दिन उन्होंने दैत्यों से अपना साम्राज्य वापस लिया था देवताओं से। तो ये जो 5 दिन है ना ये बहुत चमत्कारी दिन होते हैं। बैसाख के कहते हैं अंतिम 5 दिन, आखिरी 5 दिन, ये बहुत मैजिकल 5 दिन होते हैं। इसमें नरसिंह जयंती भी बनाई जाती है, नरसिंह चतुर्दशी। भगवान की बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो नरसिंह के रूप में की जाती है। खैर दूसरे वीडियो में बताऊंगी, अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं मोहिनी एकादशी पर। सबसे पहले 18 तारीख को आपको दसवीं तिथि के नियम पालन करने हैं। दसवीं तिथि के जो नियम है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको मांस मदरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। दसवीं तिथि पे चावल भी नहीं खाए जाते, मसूर की दाल, बैगन भी नहीं खाया जाता। दसवीं तिथि पे आपको गाजर और मूली खाने की भी मनाही होती है। दसवीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे भी बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख में सूर्यास्त के बाद भोजन की मनाही होती है। हाँ, अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, देर हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कामकाजी होंगे, कलयुग है, कलयुग में कामकाज बहुत जरूरी है, तो ऑफिस से आते तो आप दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनका सेवन कर सकते हैं। दसवीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दसवीं तिथि पे बेड पे नहीं सोना होता। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप बेड पे सो सकते हो, या फिर आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तब आप बेड का चयन कर सकते हो। बेसिकली बेड पे नहीं सोना होता, पृथ्वी शयन करना होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और उठने के बाद आपको पानी में गंगा जल हो गया वो डाल के स्नान करना होता है। गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, नर्मदा का जल हो गया, या फिर गंगा जी अगर आसपास है तो वहां पे जाके स्नान कर लीजिए, सबसे सर्वोत्तम वही होता है। या फिर आंवले का जल डाल के भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहन लीजिए, नहीं तो पीले रंग की चुन्नी तो अवश्य धारण कीजिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। कहते हैं ना मोहिनी एकादशी का व्रत जो है वो भगवान राम ने भी किया था माता सीता की प्राप्ति के लिए। तो मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर जी ने भी किया था, मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान राम ने भी किया था। तो मोहिनी एकादशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहो कि मोहिनी एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। आने वाली है निर्जला एकादशी जो कि जेठ के महीने में आएगी, उससे आप नए व्रत का प्रारंभ कीजिए क्योंकि वो एकादशी का राजा है। जैसे कि वैसे तो एकादशी जो है वो व्रतों का राजा है, और उसमें भी अगर मैं बात करूं मोहिनी निर्जला एकादशी, तो वो निर्जला एकादशी जो है वो व्रतों का राजा है। मोहिनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और पंचामृत का पान व्रत में आप लोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, स्नान कराने के बाद पूजा अर्चना वंदना करेगा, सबसे पहले पंचामृत का ही सेवन कीजिए। अगर आपका निर्जला एकादशी नहीं, अर्थात आपका निर्जला व्रत नहीं है, तो आप पंचामृत का सेवन कर सकते हैं।
बिना संकल्प के व्रत जो है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संकल्प लीजिए, श्री हरि विष्णु को याद कीजिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोला आपने, फिर आपने सुपारी ले ली है या फिर लौंग ले ली है। वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है लेकिन एकादशी में चावल का उपयोग नहीं होता, तो आप लौंग ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, उनसे संकल्प लीजिए। श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु 3 बार बोलिए, फिर अपना नाम बोलिए, फिर अपना गोत्र बोलिए, फिर अपना स्थान बोलिए, और जिस प्रकार से आप व्रत कर रहे हैं वो बोलिए। और व्रत का फल अगर आपको चाहिए तो अपना नाम बोलिए, और अगर व्रत का फल आप किसी और को समर्पित कर रहे हो तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो। एकादशी व्रत में एकादशी की कथा पढ़ने का विशेष महत्व होता है। अगर आपको कथा नहीं पढ़ने आती, अब ये कहोगे दीदी आज के जमाने में भी ऐसा कोई है जो इसको कथा नहीं पढ़ने आती, एक्चुअली मेरे पास ये मैसेज आया था, कमेंट्स आया था, इसके बाद ही मैं ये वीडियो मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको नहीं पढ़ना आता, वो श्रवण भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे श्रवण कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं किसी से पढ़वा सकते हैं। बेसिकली आपको वो कथा पढ़नी जरूरी है। सूर्य भगवान को जल जो है वो अवश्य दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने की बहुत बड़ी महिमा होती है बैसाख के महीने में, और कम से कम 5 दिन तो जरूर दीजिए। मोहिनी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करनी है, तुलसी जी पे दीपदान अवश्य करना है, अवश्य और अवश्य करना है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, दोपहर को सोना नहीं है, आराम कर सकते हो लेकिन सोना नहीं है, ठीक है। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आता है, शाम को भी तुलसी जी पे दीप प्रज्वलित कीजिए, आकाश दीप प्रज्वलित कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे दीप प्रज्वलित कीजिए, और शाम के समय एक अखंड ज्योत जरूर जला दीजिए। शाम के समय अखंड ज्योत जलाने की बात क्यों कर रही हूं, इतना उस क्वांटिटी में उसमें तेल या घी इतना डालिए कि वो पूरी रात जलती रहे, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एकादशी में ना रात को सोने की मनाही होती है, ठीक है। कहते हैं ना एकादशी जो होती है वो रात नहीं होती, एकादशी में हमें रात को जगकर भगवान श्री हरि विष्णु की भजन करना चाहिए। लेकिन भैया आप कलयुग का प्रभाव तो हम लोगों पे आएगा, तो हम लोग सो जाते हैं, तो हमारी अब्सेंट में कोई ना कोई साक्षी होना चाहिए, इसलिए वो अखंड ज्योत जलवाई जाती है, इसलिए आपको वो अखंड ज्योत जलानी चाहिए, इस बात का आपको संपूर्ण ध्यान रखना है। तो एक अखंड ज्योत जला दीजिए, रात को कम से कम 11-12 बजे तक जगिए, और मैं तो ये कह रही हूँ अपने ग्रुप बना लीजिए ना, जिस ग्रुप में आप लोग बना लीजिए, इस एकादशी पर इनके घर पे कीर्तन कीजिए, उस एकादशी पे उनके घर पे कीर्तन कीजिए। अकेले रहते हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी श्रवण कर सकते हो। 11-12 बजे तक जगिए, और उसके बाद अगर आप सो भी जाते हो तो आपकी जो साक्षी है वो अखंड ज्योत होती है। हाँ, इस एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु का क्या प्रिय भोग है, हर एकादशी पे भगवान का भोग अलग अलग होता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो इस एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु को माखन की खीर, वो मखाने की खीर का भोग अवश्य और अवश्य लगाइए। वैसे तो आप हर एकादशी पे लगाते होंगे, लेकिन इस एकादशी पे जो खाने की खीर ही है, आप मखाने की खीर का भोग श्री हरि विष्णु को अवश्य लगाइए। उसमें हल्का सा केसर जरूर डाल दीजिए ताकि वो हल्का सा पीला हो जाए। मैंने कहा ना पीतांबर चीजें श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। उसके बाद आप लोग मखाने की खीर का भोग भगवान को लगा के खुद भी उसका सेवन कर सकते हो। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह दोबारा उठना होता है, और सबसे पहले स्नान इत्यादि करने के बाद चावल बनाने होते हैं, लड्डू गोपाल को उठाना होता है, लड्डू गोपाल को उठाने के बाद उनको स्नान कराना होता है सादे पानी से, पंचामृत से कोई आवश्यक नहीं। लेकिन हाँ, रुक्मणी द्वादशी है तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाना होता है, जो आपने खाना बनाया उनको खाने के लिए दिया जाता है। साथ में इस एकादशी पे आप मटके का दान कर सकते हो, जल का दान कर सकते हो, बहुत शुभ होता है। मतलब द्वादशी पर मटका दान, जल दान, छाता दान, चप्पल दान बहुत शुभ है, क्योंकि बैसाख के महीने में ये सभी चीजें दान करने की अपनी बहुत विशेष महिमा कही गई है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा शुभ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद किसी ब्राह्मण को खिलाना है, या अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो मंदिर में जाके दे सकते हो, और मंदिर में भी नहीं जा सकते हो तो पैसे निकाल के रख सकते हो। उसके बाद भगवान के चरणामृत का पान करके व्रत का विश्राम करना होता है, उसके बाद जो चावल है वो खा के आपको व्रत का विश्राम करना है। तो ये होती है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी की मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी, पूरी पूजा विधि भी बता दी। इस मोहिनी एकादशी में बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, जैसे कि रविवार को पड़ रही है तो रवि योग इसमें पड़ रहा है, इसमें अमृत योग बन रहा है, इसमें सर्व सिद्धि योग बन रहा है। एक बात ध्यान की, हर पूजा में राहुकाल अवश्य देगी, पूरे दिन में 1-2 घंटे राहुकाल के होते हैं, 2 घंटे राहुकाल के होते हैं, उस राहुकाल में भूल कर भी पूजा अर्चना वंदन नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे।